रोज अब सड़कों पर नजर आने लगा है। शनिवार को भी इन मुद्दों के विरोध में मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ ने पिपलिया राव रिंग रोड पर प्रदर्शन किया। चीन की हरकत पर पूरा देश इन दिनों चीन के विरोध में लामबंद है। चीन की कायराना हरकत के विरोध में शनिवार को मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ ने चाइनीज टायर और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन है, क्या विरोध प्रदर्शन है? हम चीन का जो भी पहाड़ का जीत के टायर हैं, जो भी सामान आता है हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन में, और उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी मेंबर हैं, चीन का कोई भी पार्ट वहां से नहीं ले आएगा। अगर कोई ले आता है तो उसका सख्त विरोध किया जाएगा। अगर व्यापारी अगर ले आते हैं तो भी उसका सख्त विरोध किया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ के पदाधिकारियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर भी आक्रोश जताया। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव गिरने के बावजूद भी लगातार ईंधनों के भाव में बढ़ोतरी हो रही है। इस मुद्दे पर संघ ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को भी आड़े हाथों लिया। जो रवैया चल रहा है पेट्रोल और डीजल, उन्होंने जिस आसमान पर उन्होंने रेट के जो दाम बढ़ाए हैं, ये हिंदुस्तान में कहीं से कहीं तक होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज हिंदुस्तान में जो क्रूड ऑयल का जो रेट गिरा है, उस हिसाब से हिंदुस्तान का जो पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए था, और वह वही रेट जो आज उसी रेट में आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जो क्रूड रेल के जो ऑयल का जो रेट गिरा है और पेट्रोल डीजल के इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, वो जो पैसा बच रहा है हिंदुस्तान सरकार अपने खाते में जमा कर रही है, और जनता का ये जनता के लिए बहुत नुकसानदायी है। और नुकसान क्योंकि आज हिंदुस्तान की जितनी जनता है आज लॉकडाउन से इतनी परेशान है, भूखमरी से इतनी परेशान है, हिंदुस्तान का हर नवयुवक बेरोजगार हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के लोग और हम मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट महासंघ की ओर से, कांग्रेस की ओर से, हम इसका पूरा जोर से हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो पेट्रोलियम मंत्री है उसके पुतले जलाए जाएंगे यदि उन्होंने इस रेट को, यदि डीजल और पेट्रोल का रेट दाम नहीं कम करा। और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान में जो रेट बढ़ा है, हमारे जितने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट और ऑल इंडिया लेवल के जितने ट्रांसपोर्ट भाई है, हम लोग कोई भी गाड़ियां फाइनेंस नहीं कराएंगे, ये हम घोषणा करते हैं। इसके लिए हम पूरा आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। आपका नाम?